हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मिस फिका हसन। हम उनसे जानेंगे कि विधेयक पारित होने के बाद मुस्लिम समाज में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। लोकसभा के बाद बहुत खुशी की बात है कि राज्यसभा में भी तीन तलाक विधेयक जो है वो पारित हो चुका है और अब मुस्लिम महिलाओं में एक उम्मीद की आस जगी है कि हाँ, अब जो इतने सदियों से जो वो तीन तलाक के दंश से जो पीड़ित थी, अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, एक कानून बना है तो उनको बल मिलेगा और जो अत्याचार उन पर होता था और आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है, खासकर तीन तलाक के मामले जो हैं, ये जो विधेयक पारित हुए हैं, इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहती हैं? इनका श्रेय हम मोदी सरकार को देना चाहेंगे, उनके जितने भी इसमें सांसद जिन्होंने वोटिंग किया है इनके पक्ष में, ट्रिपल तलाक के पक्ष में, ये बिल के पक्ष में, संसद में जिन्होंने, पार्लियामेंट में जिन्होंने इनके पक्ष में वोटिंग किया है, फेवर में वोटिंग किया है, हम उन सभी एमपीज़ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा और इस बिल के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया। देश में एक ऐसा तबका भी है मिस फिका जी, कि तीन तलाक बिल मामले को जो है दूसरे अंदाज में समाज में पेश कर रहा है। यदि बहुत सारे गैर विपक्षी भाजपाई जो हैं, उनका ये कहना है कि इस बिल के पारित होने से मुस्लिम समाज में, खासकर परिवार में जो है, बिखराव आएगा और पति पत्नी के बीच जो गहरे संबंध हैं उसमें एक खाई सी पट जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कानून लाया गया है एज अ डिटरेंस। एज अ डिटरेंस मतलब कि जो मान लीजिए आर्बिट्रली एक हस्बैंड अपने वाइफ को तीन बार तलाक बोलकर, एक ही सिटिंग में तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया करता था, अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। और देखिए, ये जो तलाक की बिद्दत जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है और ना ही कुरान इस्लाम के माशरे में ये कहीं भी जो है ये मेंशनड है, ना ही हमारे होली कुरान में ये कहीं भी लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप में या फिर आप मैसेज में तीन बार तलाक बोल के अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा। ये कहीं भी हमारे इस्लाम के माशरे में नहीं है। तो इस तरीके का एक कुप्रथा था जो कि महिलाओं को झेलना पड़ रहा था, तो कुरान की रोशनी में भी ये अफजल तरीका है कि नहीं, तीन बार तलाक बोल के नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए एक अवधि होना चाहिए, उसके लिए एक प्रक्रिया होना चाहिए, एक वो जो है हस्बैंड और वाइफ में एक वो मिल बैठ के एक वो सुलह होना चाहिए, उसके बाद ही प्रक्रिया जो है आगे जाएगा। ये भी कुरान की रोशनी से भी ये सही है। क्या आपको लगता है कि तीन तलाक बिल पारित होने के बाद जो है, जो खासकर अल्पसंख्यक समाज में जो है, क्या उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ेगा? देखिए, हम लोग ये जो बिल लेकर आए हैं, हम लोग कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं लेके आए हैं और कोई भी राजनीति चश्मे या मजहबी चश्मे से इस बिल को हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे इसको ना देखा जाए। ये महिलाओं के न्याय के लिए है और वोट की राजनीति तो कांग्रेस और विपक्षी लोगों ने ही किया है कि इससे वोट बिगड़ ना जाए, जो पुरुष है वो इससे नाराज ना हो जाए और उनका जो एक फिक्स्ड वोट बैंक है मुस्लिमों का वो ना गड़बड़ हो जाए। इसलिए 1986 से जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ एक तरीके का छलावा किया गया, लेकिन हम लोग वोट की राजनीति छोड़कर उनके इंसाफ के लिए, उनके न्याय के लिए, क्योंकि ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, साहबानों से लेकर सायराबानों तक ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाई है और ना जाने कहां कहां इंसाफ के लिए हो गई है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो हम वोट की राजनीति को छोड़कर हम महिलाओं के न्याय के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, सामाजिक कुप्रथाएँ भी बदली हैं। पहले बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएँ खत्म हुई और आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पारित होने के बाद तीन तलाक जैसी कुप्रथाएँ भी खत्म होंगी। देश की आधी आबादी को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सनमार्ग लाइव के लिए मैं राम प्रसाद सिन्हा, पाकुड़।